अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप सब जी। मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं कर रही थी सफाइयाँ वगैरह। और कुछ बातचीत करते हैं आज जी चैनल के बारे में। चैनल तो हो गया मोनेटाइज, लेकिन उसके व्यूज़ जो है ना वो डाउन हो गए। तो मेरे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, व्यूज़ क्यों डाउन हो गए। तो मैं आज आपको सब कुछ बताती हूँ कि क्या हुआ था। अच्छा, जब मैंने ना चैनल स्टार्ट किया था तो माशाल्लाह से ना पहला चैनल छोड़ा था तो उस पे ना बहुत ज़्यादा उसका मुझे था दुख, बहुत बहुत ज़्यादा दुख था कि मैंने वो चैनल छोड़ा, क्योंकि मेरा पहला चैनल था। लेकिन मुझे मैंने सीखा तो फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा। और माशाल्लाह से ना उस पे मैंने साल से ज़्यादा काम किया था ना, वो मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने नया चैनल बनाया और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला माशाल्लाह मुझे। और वो ना मेरा अच्छा वाच टाइम तो उसका ना जो था वो तकरीबन 2 माह में पूरा हो चुका था। और सब्सक्राइबर्स भी ना मुझे, मेरा चैनल जो था ना ईद वाले दिन मोनेटाइज हो गया था। अच्छा, व्यूज़ का मसला ये आ रहा था कि मैंने ना जो टैग्स और उसकी डिस्क्रिप्शन थी ना वो सारी जो थी ना सब डिलीट कर दी थी, क्योंकि पहले जो मैंने टैग्स लगाए थे यूट्यूबर्स के नाम लिखे थे या जो भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शंस होती हैं दूसरों के डिस्क्रिप्शन में जाके उनके टैग्स निकालने, बड़ा काफ़ी कुछ होता है ना, तो वो लेना और सब मैंने ना डिलीट कर दिया था। और उसकी वजह से ना चैनल डेड हो गया। अच्छा, पहले भी ये एक थोड़ी सी वजह थी कि मैं ना बहुत ज़्यादा कुछ ना, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के होते हैं, और सेहत के भी थे मेरे साथ बहुत सारे इशू, तो बहुत सारा ना प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना मैं बलोची कढ़ाई बना रही थी और ये मैं सारा उसी की तैयारी कर रही थी। तो ना मैं बता रही थी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैं ना जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन ना जैसे तैसे मैं वीडियोस बना रही थी। अच्छा, पता है एक तो था ना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर बहुत सारे ना इस तरह के भी डालती थी, फिर मैंने डेली रूटीन ही सिर्फ डालने शुरू कर दी। अच्छा, मेरे साथ डेली रूटीन के साथ मेरा था कि मैं ना कुछ बनाती थी, यानी कि डिफरेंट टिप्स ट्रिक्स वगैरह बताती थी, तो वो तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है उसकी वजह से मेरा इतना चैनल पे असर नहीं पड़ा जितना ना मेरे चैनल मोनेटाइज होने की वजह से मैंने अपने पूरे चैनल की एसईओ ही चेंज कर दी। यानी कि सिर्फ वीडियोस की एसईओ नहीं मैंने चेंज की, मैंने मेन जाके चैनल की पूरे की एसईओ को उड़ा दिया था, यानी कि बिल्कुल क्लीन कर दी थी। बस वो मैंने चीज़ें रखी थी मुझे, क्योंकि मैंने पहले चैनल मोनेटाइज करवाया था, उसकी दफ़ा भी प्रॉब्लम हुई थी एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा उसको मैंने साफ़ करके सारा कुछ तो फिर डाला था, फिर मोनेटाइज हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उस चैनल की वजह से मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो गया, क्योंकि मुझे सारा कुछ पता था। मैंने सारे टैग्स डिस्क्रिप्शंस चैनल के टैग सारे यानी कि उड़ा दिए। फिर दोबारा मैं अब आहिस्ता आहिस्ता उनको कर रही हूँ। और असल वजह ये थी ना चैनल के डाउन होने की, क्योंकि मैं उसके अंदर लगा रही थी टैग्स डिस्क्रिप्शंस वगैरह, तो वो फिर मेरा चैनल मोनेटाइज ना होता जी। यहाँ पे बलोची कढ़ाई बन चुकी है और मैं बना रही थी यहाँ पे ना मिर्चों का अचार। तो ये मैंने ना एक दिन पहले मिर्चें जो थी ना काट के और उसके अंदर नमक भर दिया था दरमियान से, और फिर उसको रख दिया था एक रात के लिए, बल्कि रात क्या, एक रात आधा दिन पूरा रख दिया, दो दो यानी कि एक दिन एक रात रखा था। फिर उनका पानी जो निकल गया उसके बाद जी मैंने इनको सरसों के तेल में अब मैं बना रही हूँ। तो जी मैं, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों डाउन हो गए व्यूज़, तो असल वजह बस यही है कि उसकी एसईओ जो है ना बिल्कुल मैंने उड़ा दी थी, तो इसकी वजह से व्यूज़ बहुत कम हो गए। और अब मैं दोबारा उसकी एसईओ कर रही हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो पहले मेरे व्यूअर्स थे वो एसईओ उड़ने की वजह से वो भी चले गए। क्योंकि आपको पता है अगर आपके लाखों में भी व्यूअर्स होते हैं ना तो वो आपके हज़ारों में ही व्यूज़ आते हैं, और मेरा तो अभी 1000 है, 1K ही हुआ है।
तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता से हो जाएगा और अल्लाह बेहतर करेगा जो भी। और आपको वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो मुझे सजेशंस दिया करें ताकि मैं मुझे पता चले। और व्लॉग्स के बारे में या फिर कुछ आपको देखना है कि मुझे ये हमें बना के दिखाएं या कुछ भी कोई चीज़ होती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो आपको पसंद हो उसके मुताबिक चलूँ। और जी यहाँ पे बस मैंने इसको मिर्चों को ना और नमक डाल के और इनको फ्राई करके, और बस ये यहाँ पे नमक ही डाला था और इनको मैंने फ्राई हाफ यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे किया था ताकि इनका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। और जब ये हो गई थी बिल्कुल ठंडी तो फिर मैंने इसको बॉक्स में डाल के रख लिया था। और ये जी मिर्चों के लिए ना जो होता है मसाला वगैरह बना हुआ होता है अचार का, वो बचा पड़ा हो तो उसमें डाल दें तो बहुत मज़े की मिर्चें लगती हैं। तो जी मैंने आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, मुझे दीजिए इजाज़त।